हेलो एवरीवन, देखिए एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहता है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, ये भी आपको बताना है, एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप क्या करो, एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाओ। क्यूबिकल ब्लॉक मतलब क्या है, क्यूब बनाना है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, और एक साइड दे रखी है 7, तो सारी साइड्स कितनी होंगी, 7 होंगी। तो हम एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाते हैं पहले, तो ठीक है, क्यूब की शेप, क्लियर। ये हमने बनाया यहां एक क्यूब, ये क्या बनाया है, एक क्यूब बना दिया हमने, ठीक है, जिसमें हमें पता है सारी साइड्स कितनी है हमारे पास, इसमें 7 सेंटीमीटर है, कितनी है 7 सेंटीमीटर की, क्लियर। अब देखो जरा यहां पर अगर हम देखें, ये इसका ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें ये क्या कहता है, 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर एक सरमाउंट कर रखा है, मतलब ऊपर हमने एक माउंट कर रखा है, क्या चीज़, हेमिस्फीयर, ठीक है। और कह रहा है उसकी ग्रेटेस्ट डायामीटर कितनी हो सकती है, देखो अगर मुझे पता है ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, बिकॉज सारी साइड है इस क्यूब की कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो हम जब इसके ऊपर यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक हेमिस्फीयर लगाएंगे, तो क्या होगा हमारे पास, जब अभी हम इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगाएंगे, अगर उसकी डायामीटर मैं 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा रखता हूँ, मतलब मान के चलो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक हेमिस्फीयर लगा रहा हूँ यहाँ पर मान लो, ठीक है, ये वाली, ठीक, ये एक हेमिस्फीयर लगाया मैंने इस तरीके से, होगा ये क्लियर, हेमिस्फीयर, ये मैंने एक हेमिस्फीयर लगाया जिसकी मैंने डायामीटर मैक्सिमम कितनी रखी है 7, अगर मैं 7 से ज़्यादा रखूँगा तो क्या होगा, ये इस पर माउंट तो नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब एक तरह से ये एक ब्लॉक है उसके ऊपर तुमने एक बाउल रखा, ठीक है, बाउल क्या है, इस ब्लॉक से बड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा पूरे के पूरे के, ऐसे तो नहीं रखा तो नहीं रहेगा ना ऊपर, क्योंकि अगर डायामीटर 7 से बड़ी हो गई तो इसके ऊपर गिर जाएगा इस तरीके से, समझ रहे हो ये बात, तो इसका मतलब ये जो डायामीटर है इसकी, ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 7 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ शुरू में ही लिखते हैं सॉल्यूशन में कि जो ग्रेटेस्ट डायामीटर होगी हेमिस्फीयर की, वो कितनी होगी, ऑफ हेमिस्फीयर कितनी होगी, ये आपके पास 7 सेंटीमीटर की होगी, क्लियर, इतनी बात, ये तो समझ रहे हो ना कैसे। अब अगर ये 7 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस, रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 बाय 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं हमें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सॉलिड मतलब क्या, ये पूरा सॉलिड में क्या आ गया, ये हेमिस्फीयर भी और ये भी, ठीक है। अब देखो जरा इसमें हम कैसे कर सकते हैं, ये इसका सरफेस एरिया कैसे निकालें। अब जो हमें जो चीज़ें दिख रही हैं वो क्या क्या दिख रही हैं, एक तो ये ब्लॉक दिख रहा है क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है, और उसके ऊपर ये हेमिस्फीयर एक लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अब जब हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लूँ इस क्यूब का, तो वो क्या होता है, वो तो उस पूरे ब्लॉक का आएगा, ऊपर वाले ब्लॉक का भी आएगा। अगर ये ऊपर वाला ब्लॉक देखें हम, ये ऐसे है ऊपर वाला ब्लॉक, ठीक है ना, और इसमें ये रहा एक हेमिस्फीयर, अगर मैं इसको ऐसे ऊपर से भी बना लूँ, ये चीज क्लियर, ये एक हेमिस्फीयर इस तरीके से रखा है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है इस क्यूब का, उसमें सिर्फ जो एरिया आएगा वो इस वाले पार्ट का आएगा, ये वाले पार्ट का, क्लियर, ये तो आएगा ही नहीं, जो क्योंकि ये जो हेमिस्फीयर होता है ये ऐसा होता है ना, ठीक है, ये एक सर्कल ने ऑक्यूपाई कर लिया, ये वाला पार्ट इस क्यूब के ऊपर वाले फेस का, इतना पार्ट किसने ऑक्यूपाई कर लिया, इस हेमिस्फीयर के सर्कल ने, जो ये नीचे ये वाला। अब कैसे करें इसमें, देखो जब भी हम निकालते हैं इसमें सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ये कैसे निकाल लेंगे हम, देखो टोटल सरफेस एरिया इस ब्लॉक का लिखते हैं पहले, क्यूब का, तो यहां लिखता हूं मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्लियर। अब देखो इस क्यूब में मुझे पता है कि ये जो टोटल सरफेस एरिया होता है पूरे 6 के 6 फेसेस का होता है ना, लेकिन इसमें जो एक ऊपर वाला फेस है, ठीक है, इसका जो एरिया है इसमें सिर्फ हमारे पास ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला, ये साइड वाला पार्ट, क्लियर, इधर से ये वाला, पीछे से ये वाला, ठीक है, ये चार कॉर्नर्स पे जो जगह बचती है ना, ये वाला पार्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो सर्कल है इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, इस सर्कल का एरिया कितना होगा, जो भी ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसमें ये सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ सर्कल जो भी ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, प्लस। अब देखो जरा, अब हमारे पास ये तो माइनस हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट, लेकिन अभी ऊपर क्या है, पूरा का पूरा ये हेमिस्फीयर लगा हुआ है ना, ये हेमिस्फीयर, इसका ये कर्व्ड पार्ट, इसका पूरा ये कर्व्ड पार्ट तो दिख रहा है ना मुझे, कर्व्ड वाला, ये टोटल सरफेस एरिया नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ से बंद थोड़ी है, ये तो इसके ऊपर ऐसे रख दिया है हमने, जैसे किसी बाउल को हमने रख दिया एक क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर ऐसे वाला, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, क्यूब में से माइनस कर दिया ये सर्कल, क्लियर। अब प्लस क्या करूँ इसके अंदर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये करेंगे ऐड, बात समझ रहे हो, क्योंकि हमें जो सरफेस एरिया देखना होता है वो ये देखना होता है जो चीज़ हमें दिख रही है, दिखने में सिर्फ क्या आ रहा है, ये ब्लॉक और ऊपर वाले पार्ट में सिर्फ ये चीज़ें दिख रही हैं, और उसके ऊपर इतने पार्ट पे क्या रख दिया हमने, हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो मेरे को पहले तो ये वाले के लिए निकालना पड़ेगा एरिया, ये इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास,
इस क्यूब का, 6L² फॉर्मूला में पता है 6L² और L कितना है यहाँ पर 7 है, L भी कितना है हमारे पास 7 है, साइड ब्लॉक की यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइड ऑफ क्यूब कितना है 7 सेंटीमीटर है। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि टोटल सरफेस एरिया कितना है 6L², लेकिन टोटल में भी हमारे पास ऊपर क्या रख दिया हेमिस्फेयर, तो इतनी जगह ऑक्यूपाई किसने करी, हेमिस्फेयर ने, और हेमिस्फेयर का जो निचला पार्ट होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, तो उस सर्कल का एरिया माइनस करूंगा इसमें से, ठीक है, तो अब इतना पार्ट आ गया ये वाला, और प्लस ये 5 फेसेस आ गए, इतनी बात में ये बात समझ में आ रही है ना। अब कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया इसका, ठीक है, ये कर्व्ड वाली चीज़ जो है, ठीक है, तो ये कर्व्ड वाली चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, ये चीज़ भी तो दिख ही रही है ना हमें ऊपर वाली जो बाउल की है या जो भी एक हेमिस्फेयर हमने लगाया यहाँ पर, समझ रहे हो? तो अब सिंपल है, देखो TSA ऑफ क्यूब कितना है हमारे पास 6L² माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है हमारे पास 2πr². अब देखो जरा 6L कितना है हमारे पास, ये साइड ऑफ द क्यूब कितनी है 7, तो 6 7 × 7। अब देखो यहाँ पर ये देखो इसमें जो R है और इसका R सेम ही तो है, क्योंकि देखो ये सर्कल किसका है, इस हेमिस्फेयर का, ये वाला, ठीक है, तो ये R कितना है हमारे पास 7/2, और हेमिस्फेयर में भी क्या है यही रेडियस है 7/2, तो रेडियस ये भी सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से अगर डायरेक्ट करूँ, देखो ये प्लस का 2πr², ये माइनस का πr², मतलब इसको क्या मान लो आप x और इसको 2x, ठीक है ना, तो 2x माइनस x, x और x क्या है ये πr², तो साइन विच इज ग्रेटर वाला आता है साइन, तो 2πr² बड़ा है, πr² छोटा है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2πr² में से πr² माइनस करो कितना आता है πr², और प्लस क्यों आया, क्योंकि साइन 2πr² के साथ प्लस का है। अब और सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, देखो ये यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 6 7 42 42 × 7 294, कितना आ गया ये 294 प्लस पाई 22/7 × r, r कितना है हमारे पास 7/2, और ये भी कितना है 7/2, ठीक है, स्केयर था तो 2 बार 7/2, नाउ 7 से 7 कट 2 11, ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास 294 प्लस 11 7 से कितना हो गया 77/2। क्लियर इतनी बात या नहीं? ठीक है, अब इसको कैसे करें हम, देखो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, 2 LCM लेंगे, 2 LCM लेंगे तो क्या होगा आपके पास 1 और 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 294 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 8, 2 9 18, 1 2 4 और ये 5, ठीक है 588 ये आ गया आपके पास, ठीक है, प्लस 2 और 2 डिवाइड करेंगे 1 और ये 77, तो 588 में 77 ऐड करो 15, ये 16 और ये 6 6 6 5 6 6 5 / 2, ठीक है, यहाँ भी आप छोड़ सकते हो इसको आंसर में, ठीक है, नहीं तो अगर इसको डिवाइड भी करना चाहते हो तो कर दो आप 6 6 5 2, 2 3 6, फिर अगेन 6 2 3 6, 5 2 2 4, 10 और ये पॉइंट लगेगा तो कितना आ जाएगा 2 5 10, तो मतलब ये आ गया आपके पास 3 3 2.5, किसमें था सब कुछ ये सेंटीमीटर में, तो यहाँ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर, एरिया निकाल रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्लियर? अब देखो आपको इस चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ऐसा नहीं है कि बस डायरेक्टली फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आएंगे कि बस अप्लाई कर दो, नहीं, थोड़ा आपको सोचना भी है इसके अंदर, है ना, कि कैसे करें, मतलब जैसे ये क्यूब दिया हुआ था, क्यूब के ऊपर उसने क्या किया एक हेमिस्फेयर माउंट कर रखा है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकती है हमें पता है जितनी साइड है इस क्यूब की 7 7 ही हो सकती है डायमीटर, डायमीटर ये है तो रेडियस हमारे पास 7/2 आ गई, ठीक है, अब ये जब ऊपर लगाया हमने तो हमने देख लिया, अब ये जो ब्लॉक हमें दिख रहा है क्यूब, ठीक है, इसका मैं टोटल सरफेस एरिया नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि इसमें इसका जो ये सर्कुलर पार्ट है ये किसने ऑक्यूपाई कर लिया हेमिस्फेयर में, क्योंकि हेमिस्फेयर रखा है ऊपर, ठीक है, तो इस ये जो ऊपर वाला फेस था इस क्यूब का, इसमें ये कॉर्नर्स बचे सिर्फ, ठीक है ना, तो हम इसको हमने इसको देखा कैसे निकाल लें, तो हमने क्या किया टोटल का निकाल लिया, टोटल में से इस सर्कल को माइनस कर दिया, ठीक है, तो इतना पार्ट आ गया इस पूरे क्यूब का, प्लस प्लस क्या, अब ये देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट हेमिस्फेयर, ये तो ये भी तो दिख रहा है ऊपर हमें, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हमने इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें ऐड किया, समझ रहे हो, ये फॉर्मूले का आपको पता ही था, कर्व्ड सरफेस एरिया का 2πr², एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr² और टोटल सरफेस एरिया क्यूब का 6L², समझ रहे हो ये कैसे किया है क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से एक बार और देख लेना इसको, ठीक है, क्योंकि आगे भी जो क्वेश्चन होगा वो भी इसी तरीके से है, तो ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए आपको, ठीक है, ओके, थैंक यू।